हेलो गाइस, आज का जो ये वीडियो है ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके साथ वीडियो कॉल के फ्रॉड हो रहे हैं, न्यूड वीडियो कॉल के, और उनसे जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं। जी हाँ, एग्जैक्टली, जब आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कोई वीडियो कॉल आता है और उस जैसी वीडियो कॉल को आप एक्सेप्ट करते हैं, सामने देखते हैं कि एक न्यूड लड़की है और आपका, क्योंकि व्हाट्सएप पे फंक्शन होता है कि आपका और दूसरे का फेस दोनों दिखते हैं, वो जो वीडियो चल रही होती है मोबाइल पर, वो वीडियो सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके एक वीडियो क्लिप तैयार कर ली जाती है और फिर बाद में वही क्लिप आपको भेजने के बाद धमकी दी जाती है कि आप हमें पैसा दें, अदरवाइज़ ये वीडियो हम आपका वायरल कर देंगे। आप डर जाते हैं और आप घबरा जाते हैं, फिर आप पैसा देने शुरू कर देते हैं। अब आज का जो ये वीडियो मोटिवेशनल वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे पास हर तरीके के लेवल का फ़ोन आता है और अगर मैं सही में बात करूं कि किन किन लोगों के साथ हो रहा है, तो ये ऑलमोस्ट हर तरीके के लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड नहीं होगा, तो मैं बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरे पास अभी परसों एक ऐसे बंदे का फ़ोन आया जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहा है। जी हाँ, आईएसपीसीज की तैयारी कर रहा है। अब आप सोचिए कि जो लोग आईएसपीसीज की तैयारी करते हैं उनका एक मेंटल लेवल होता है। हर कोई बंदा तो मुँह उठा के आईएसपीसीज की तैयारी करना शुरू नहीं कर देता। हर एक बंदे का अपना एक मेंटल लेवल होता है, उसके दिमाग की पहुंच होती है, उस हिसाब से वो पढ़ाई करता है, उसी हिसाब से वो अपनी वर्किंग को करता है। अब जो बंदा आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहा है, और मुझे भी उससे बात करके ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, ये जो बंदा है, इस बंदे का अपना एक मेंटल लेवल है। आईएएस पीसीएस की अगर तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियसली ये बंदा उतना नॉलेजेबल है जिस नॉलेज पर ये बैठ कर किसी एग्ज़ाम को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। बट ऐसे बंदे के साथ भी न्यूड वीडियो कॉल फ्रॉड हो गया, या एग्जैक्टली हो गया। जब मेरे से, मैं उनका यहां पे नाम नहीं लूंगा और ना मैं उनका यहां पर लोकेशन बताऊंगा, बट जो केस उनके साथ हुआ वो केस उन्होंने मुझे पूरा बताया। वो अपने घर में बैठे हुए थे और उनके साथ अचानक से एक वीडियो कॉल आया, कुछ मैसेज भी आए और उन्होंने वो मैसेज का रिप्लाई देना शुरू किया, बाद में वो कॉल हुआ। बट हालांकि उनके साथ जब ये वीडियो क्लिप बनी तो बस उनका केवल फेस रिकॉर्ड हुआ, वो भी कुछ सेकंड्स की वीडियो क्लिप थी। तो इस तरह करके उनको परेशान करना स्टार्ट कर दिया गया। तब उन्होंने मेरा वीडियो यूट्यूब पर देखा और मुझे क्या कहते, उन्होंने कॉल किया। अब नाउ, अभी पॉइंट ये आता है कि जब वो आपको फ्रॉड वाले लोग जो हैं वो आपको पैसा मांगना शुरू करते हैं, आपसे आपको धमकी देना शुरू करते हैं, तो आपको करना क्या है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आजकल एक क्वेश्चन है, डर है, वो लोग बहुत ज़्यादा रिपीटेड पूछते हैं। और हाँ, इस वीडियो में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे से बात करते हैं वो प्लीज़ एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना किया करें, क्योंकि जब मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, मेरे पास कॉल्स आते हैं, तो मैं भी बहुत परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि आप एक ही क्वेश्चन को बार बार, एक ही दिन में चार बार, फिर अगले दिन एक बार, फिर उसके दूसरे दिन सेम क्वेश्चन। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि जो आंसर मैं दे रहा हूँ वो किसी लेवल पर या कुछ सोच समझ के आपको आंसर दे रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन का रोना पीटते रहना वो ठीक नहीं है, राइट? तो हम अपने चलते हैं टॉपिक पर। तो आपको अगर वो पैसे की डिमांड करते हैं तो आपको एक भी पैसा उनको नहीं देना है। वो आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि हम आपका वीडियो अभी वायरल कर दे रहे हैं, हम आपका वीडियो अभी आपके फेसबुक के किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे, हम इस वीडियो को यूट्यूब पर डाल देंगे, हम इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर डाल देंगे, हम इस वीडियो को यहाँ डाल देंगे, वहाँ डाल देंगे, आपकी पूरी रिश्तेदारी दोस्तों के पास फैला देंगे। ऐसा कोई भी माइकल लाल, जी हाँ, ऐसा कोई भी माइकल लाल अभी तक तो हिंदुस्तान के अंदर है नहीं जो आपके वीडियो को इन प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दे। हाँ, मैं इतना ज़रूर मानता हूँ कि वो आपका वीडियो लेके यूट्यूब पर डाउनलोड करना शुरू कर देगा, क्योंकि वीडियो उसके पास है, इंस्टाग्राम पे भी कर सकता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, वो सर्कुलेट करना चाहे तो वो सर्कुलेट की स्टार्टिंग कर सकता है। बट हाँ, वो आपकी वीडियो को कहीं पर अपलोड करके फिनिश नहीं कर सकता।
वो इसलिए क्योंकि जैसे ही इस तरीके के वीडियो इन सभी प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए जाते हैं, ये वैसे ही स्कैनिंग के थ्रू रोक दिए जाते हैं और तुरंत रोकने के बाद ये डिलीट भी कर दिए जाते हैं। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि ये सब प्लेटफॉर्म जो होते हैं ये कुछ रूल्स रेगुलेशंस पे काम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट की, जिससे किसी का भी न्यूड वीडियो उसकी विदाउट परमिशंस के इन प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं हो सकता है। अदरवाइज तो जितने भी ये प्लेटफॉर्म हैं इन पे तमाम सारे न्यूड वीडियो लोग अपलोड करना शुरू कर दें और हम और आप नौकरी ना करें, केवल एक यही धंधा शुरू कर दें कि जहाँ कोई लड़का लड़की मिले उनका न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर लो और यूट्यूब पे अपलोड कर दो और पैसे की धमकी दो और उसके बाद पैसा कमाओ। तो जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हो रहा है वो बिल्कुल भी पैसे ना दें, चाहे वो कितनी भी बंदा आपको फंसाने की कोशिश करे। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल क्वेश्चन से ऐसा क्वेश्चन आपके साथ किया जा रहा है जिसका आप आंसर नहीं दे सकते, तो हाँ उस क्वेश्चन को आप मेरे से जरूर करिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि उनके उस क्वेश्चन पे आपको रिप्लाई क्या करना है। लेकिन आपको पैसा नहीं देना है, आपको डरना नहीं है, आपको सुसाइड का कोई प्लान नहीं बनाना है, आपको कुछ भी, लाइफ बिंदास जीरो, बिंदास जीते रहो। बिंदास जीने में कोई भी अगर दिक्कत आ रही है आपको तो मुझे कॉल करो, मेरे को व्हाट्सअप करो, लेकिन अपनी लाइफ जैसे बिंदास जी रहो बिल्कुल वैसे ही बिंदास जीते रहो। मैं अपने सभी व्यूअर्स को यही कहता हूँ, स्पेशली जिनके साथ फ्रॉड ये हो चुका है और जो डर रहे हैं, कि जैसी अपनी लाइफ जी रहे हो बिल्कुल वैसे ही अपनी लाइफ जियो। अगर वो आपको धमकी देते हैं उल्टा उनसे मौज लेना शुरू करो। मौज कैसे लेनी है? वो बोलते हैं हम आपका वीडियो अभी अपलोड कर देंगे, आप उनको बोलो कि ठीक है आप अपलोड कर दो, मेरा भी बहुत दिनों से वीडियो मैंने कहीं न्यूड प्लेटफॉर्म पर आज तक कभी देखा नहीं है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा वीडियो कैसा दिखता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक बार वायरल कर दो उसको, मैं आपको पैसे दे दूँगा। एक बार ये बोल के तो देखो, क्योंकि आप डर जाते हो उस चीज़ का, वो बिल्कुल आपसे इमीडिएट फ़ायदा उठा लेते हैं, आप तुरंत से पैसे देने की तैयारी चालू कर देते हो। एक बार क्वेश्चन अपने आप से पूछ के देखो कि आप तमाम सारी YouTube पर वीडियो देखने के बाद मेरे वीडियो पे आए हो, या कुछ लोग मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे होंगे, कुछ तो इस वक्त इतने घबराए हुए होंगे, उनको वीडियो देखते देखते भी उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मेरा एक ही क्वेश्चन है, दो मिनट के लिए शांति का दिमाग रखो और बस ये सोचो कि पैसे देने नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए आज का दिन मेरे चैनल के नाम पे दे दो, मेरे वीडियो के नाम पे दे दो, और बस ये सोचो कि एटलीस्ट आज के दिन तो पैसा नहीं देना है, चाहे वो आज मेरे से कितना भी मेरे पीछे पड़ा रहे पैसे के लिए, आज मैं पैसे नहीं दूंगा, बिकॉज ऑफ कि मैं अपने वीडियो में आपको बोल रहा हूँ। और आप देखो आज अगर वो पैसा आपसे नहीं ले पाया तो आपसे वो कल क्या, परसों क्या, नरसों क्या, वो किसी दिन आपसे पैसा नहीं ले पाएगा। एंड आई एम डेड श्योर आप मेरे इस वीडियो पे जो मैं कह रहा हूँ आप मेरी बात मानो, वो कुछ भी हथकंडे अपना ले, कुछ भी उल्टा सीधा कह के आपको डराने की कोशिश करे, आपको पैसे नहीं देना है। एक व्यूअर तो मेरे ऐसे थे जो फांसी लगाने जा रहे थे, जी हाँ उसी दिन वो फांसी लगाने जा रहे थे, और फांसी उसी दिन तो मैं बहुत बड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, वो उसी पल फांसी लगाने जा रहे थे, वो उनका खुद का कहना था, उनकी खुद की वर्डिंग थी कि 5 से 6 मिनट बाद वो फांसी लगाने जा रहे थे, बट उनके मूड में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मेरा वीडियो देखा और उनका पूरा प्लान ही चेंज उन्होंने कर दिया, और आज के डेट में वो मस्त हैं बिंदास, जैसा जैसा मैंने उनको बोला वो बिल्कुल वैसा ही करते गए। पैसा किसी को नहीं देना है, चाहे लड़की आपसे मांग रही है फ़ोन पर, चाहे लड़का आपसे मांग रहा है। और वीडियो कॉल अगर आपने उठा ली तो वीडियो कॉल उठाने के बाद आप, अब क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर यूट्यूब पर ये खूब मतलब वीडियो इस तरीके का आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे धड़ल्ले से कॉल हो रही है, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि कॉल अगर आपने रिसीव कर लिया और आप घबरा रहे हो तो घबराओ बिल्कुल मत, उनको फिर बोलो कि मुझे फिर से दोबारा ऐसी कॉल कराओ, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ऐसी कॉल्स में। आप उनको बोलो, आप उनके अंदर वो फीलिंग जनरेट कर दो कि उनको लगे कि सामने वाला बंदा आपको बेवकूफ़ समझ रहा है, राइट तभी ये लोग आपसे अपने आप भाग जाएंगे और आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। एक बार जिस बंदे ने ये काम कर लिया जो मैं बता रहा हूँ, वो उसी पल से सुखी होना शुरू हो जाएगा, अदरवाइज तो कुछ नहीं हो सकता आपका। अगर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ नहीं समझ पाए तो आपका कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप पैसे बांटते रहो, क्योंकि आपको किसी की सुननी नहीं है, आपको लगता है कि आप ही समझदार हो। मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये सब चीज़ें क्यों कह रहा हूँ,
मैं इतने कॉन्फिडेंस से सब चीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन सब चीज़ों को बोलकर मैंने यही काम करवाया है उनके साथ, जिन लोगों ने मेरे इस वीडियो कॉल को, इस तरीके के वीडियो कॉल को फॉलो करके जो फ्रॉड करने वाले बंदे हैं उनको इसी तरीके का रिप्लाई दिया है, वो उसी 24 घंटे के अंदर ठप हो गए। उन्होंने पैसा मांगना तो बंद कर दिया, साथ साथ उन्होंने जिनके साथ फ्रॉड हुआ है जब उन्होंने उनको मैसेज करना शुरू किया तो उनके मैसेज का रिप्लाई देना भी बंद कर दिया। कैन यू बिलीव? इसलिए आज का जो वीडियो है ये एक मोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको कि फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो। आपका पड़ोसी इसी तरीके के फ्रॉड में फंसा होगा लेकिन वो आपको बताएगा नहीं कि मैं इस तरीके के फ्रॉड में फंसा हुआ हूं, क्योंकि मैटर ऐसा है, आदमी सोचता है कि अरे यार मेरे को तो उसने एक लड़की के साथ न्यूड देख लिया, और समहाउ कुछ पीपल्स तो बिल्कुल खुद ही क्या कहते न्यूड हो जाते हैं लड़की के साथ। तो आपका पड़ोसी जो होगा वो भी इसी केस में फंसा हुआ होगा लेकिन वो आपको बताएगा नहीं। आपके घर में आपका बेटा भी हो सकता है इसी न्यूड कॉल के फ्रॉड में फंसा हुआ लेकिन वो आपको बताएगा नहीं, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं? किसी पड़ोसी के, किसी के बेटे के, किसी के बाप के, इन्हीं सब की कॉल आ रहे हैं मेरे पास। तो इसलिए सबसे पहले तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये फ्रॉड होगा नहीं, तो फ्रॉड किसी के भी साथ हो सकता है, और अगर फ्रॉड हो गया है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मस्त रहो, बिंदास रहो, लाइफ जैसे बिता रहो वैसे बिताओ, क्लब जाओ, गर्लफ्रेंड को घुमाओ, दोस्तों के साथ घूमो, जो कर रहे हो वो करो, लाइफ को बिल्कुल वैसे ही बिंदास अपनी ज़िंदगी जियो। कुछ भी लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ तो लोग घर में दब्बू बन के बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली कुछ लोग मेरे को यही बोलते हैं कि हम तो सर घर में बैठे कुछ दिनों से समझ में नहीं आ रहा है कि घर से बाहर कैसे निकलें, ये करें वो करें। कुछ लोग सोशल सोसाइटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं, NGOs के साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी ये फ्रॉड हो जा रहा है। तो आप सोचो कि डर किससे रहे हो, किससे डर रहे हो? मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था और आज फिर इस वीडियो में कह रहा हूँ कि क्या सही में आप ऐसे केसेस सुनते रहते हो कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार, उसका वीडियो जो वीडियो था वो वायरल हो चुका है। सही में क्या आपके किसी दोस्त का, रिश्तेदार का, पड़ोसी का वीडियो वायरल हो गया? और अगर हो गया तो मेरे को बताओ फिर। अगर रियल में किसी ऐसे बंदे का वीडियो वायरल हो गया है तो फिर मुझे जरूर बताना। लेकिन हाँ, किसी नेता नगरी के बंदे को उठा के नाम मुझे मत दे देना कि सर उनका जो वीडियो था वो वायरल हो गया है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जो जब किसी बहुत बड़े आदमी का वीडियो वायरल होता है तो वो एक पॉलिटिकल बेस्ड वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है बट क्योंकि मैं अपने इस वीडियो में आपको बिल्कुल सही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, बट मैं बिल्कुल सही चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। जब किसी बहुत बड़े लेवल पे किसी बंदे का वीडियो वायरल किया जाता है तो वो पॉलिटिकल का पार्ट होता है, उस आदमी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। तो आप उतनी बड़ी असामी तो हो नहीं, दिल पे मत लेना, बट आप उतनी बड़ी असामी तो हो नहीं कि बहुत बड़े आप इस हिंदुस्तान के बहुत रईसों में गिने जाते हो। एक आम आदमी हो, इसीलिए तो उसने पकड़ा फ्रॉड करने वाले ने आपको, क्योंकि उसको पता है 5-10 हज़ार 15 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार आपसे निकल पाएंगे। जो आदमी ऑलरेडी लाखों करोड़ों में कमा रहा है ना, वो तो ऐसे लोगों को चुटकी में मसल देगा, पूछेगा भी नहीं कि कहां से हो कहां से नहीं, उठवा लेगा घर से। आप छोटी असामी हो इसीलिए आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। उनको पता है कि वो डराएंगे, धमकाएंगे, आपको फंसा देंगे, इसीलिए वो आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप मिडिल लेवल के हो इसलिए ही वो आपको फंसाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मिडिल लेवल से पैसा निकालना बहुत आसान है, क्योंकि वो डर जाएगा। तो गाइस, मैं शैलेन आपके लिए बस आज का यही वीडियो लाया था। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरी कोशिश की है मोटिवेट करने की, और इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आप लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं तो भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं आपके रिप्लाई दूंगा। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर मानना कि इतना वीडियो देखने के बाद अगर आप मोटिवेट नहीं हो पाए तो इसमें कमी केवल आपकी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सब ऑप्शन दे दिए आपको, हर तरीके का बता दिया वो आपसे क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। मेरे पिछले वीडियोस भी आप देख लीजिए, प्लस आपको मैंने ये भी बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके के मेरे पास मैसेज भी आते हैं, मैं उनके क्या रिप्लाई करने के लिए बोलता हूँ। तो हर चीज़ सिचुएशन आज की वीडियो में मैंने आपको बता दी है। तो आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो जो फ्रॉड वाले बंदे हैं वो आपको उसी पल से छोड़ देंगे जिस पल से उन्होंने आपको
फॉलो करना शुरू किया है। तो मैं शैलेंद्र, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।